तो भाई जानसार ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। जानसार का आने वाला भी थोड़ा मिस करने वाला रहा नहीं, क्योंकि ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। अब ये पूरी कोशिश करता है कि मैं ना इसे दुआ को, मतलब कि दुआ पर ना ये क्या उसे सरफराज, ये कोशिश कर रहा है कि भाई कि दुआ मुझे ब्लैकमेल ना कर पाए, लेकिन दुआ तो इसे ब्लैकमेल करेगी क्योंकि इसने दुआ की बहन के साथ भी गलत किया। दुआ के साथ भी वो कहते हैं मैं तुम्हें अपनी बहन के सदके वैसे ही माफ़ कर देती, लेकिन तुमने मेरी बहन के साथ कौन सा अच्छा किया, उसके साथ भी इतना जुल्म किया और अब तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, ऐसा तो चाहता। और निशेरवा भी कहता है कि ना तुम इसे माफ ना करो। निशेरवा कहता है तुम्हारे घर वाले ने पता नहीं क्या देखा है इस लड़के में, मुझे तो ज़रा सा अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं बस गरीब फैमिली यही तो देखती है कि शरीफ वाले, वो कहते हैं ये तो शरीफ भी नहीं है, फिर तुम्हारे घर वाले ने क्यों देख लिया। वो कहते तब तो शरीफ था वो, या ऐसा वैसा हुआ होगा। और वो कहता है कि तुम इससे दूर ही रहना। वो कहती है क्यों, कहते कि अगर वो कहता अगर इसने तुम्हें को बात कर दी ना फिर मैंने भूल जाना ये तुम्हारी बहन का शोर है, फिर मैं इसे अपने तरीके से बर्दाश्त करूँगा। और यही बात कहकर वो जैसे ऑफिस में जाता है और ये उसके पास पहुँच जाता है निशेरवा के पास, और जाकर निशेरवा कहने लग पड़ता है कि जिस दिन मेरी शादी उस दिन दवा का तब भाग गई थी, कहता किसी लड़के के साथ, अब ये निशेरवा से बेइज्जती करा के सेट रहेगा तो बाकी ये जलील होगा, फिर इसे समझ आएगी। तो बस दोस्तों यही जानसार करने वाले एपिसोड का प्रोमो टीज़र रिव्यू, आपको कैसा लगा अपनी राय मुझे जरूर कमेंट में दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।